स्टूडेंट आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंसिंग है, है, okay? so, के बारे में चैप्टर में फर्स्ट से देख चुके हैं क्वेरी इज निकाइप ऑफ डेटा है ना क्वेरी इज निक्वेस्टिंग टाइप ऑफ डेटा अभी जो डेटा हमें चाहिए वो डेटा को हम रिक्वेस्ट करके ले रहे हैं क्वेरी में येस और नो सो दिस इज वाई वी आर यूजिंग अ क्वेरी सो हम लोगों ने थ्री टाइप्स ऑफ क्वेरी देखे थे विजार्ड में एक था सिंपल क्वेरी जिसने सिर्फ एक ही टेबल पे काम कर रहा था और जो कुछ हमें चाहिए था वो फील्ड्स को दिखा रहा था और दूसरा था क्रॉस टैप क्वेरी क्रॉस टैप क्वेरी में क्या किए थे जो फील्ड्स था वो रिकॉर्ड्स बन गए जो रिकॉर्ड्स है वो फील्ड बन गए वो तो क्रॉस क्रॉस क्रैस क्वेरी था और तीसरा था फाइंडिंग डुप्लीकेट्स क्वेरी ये क्या किया था इट हेल्प इन फाइंडिंग आउट डुप्लीकेट्स इन अ स्पेसिफिक फील्ड जो फील्ड में आपको uh, सोच रहे थे कि डुप्लीकेट्स वैल्यूज है वो फील्ड में जो डुप्लीकेट्स वैल्यूज हैं उन्हें डिस्प्ले करने के लिए हम यूज किए थे फाइंड डुप्लीकेट्स क्वेरी ऑलराइट और वो क्वेरी विजार्ड में लास्ट ऑप्शन था फाइंड अनमैच्ड क्वेरी सो आज देखने वाले हैं फाइंड अनमैच्ड क्वेरी कैसे काम करेगा ओके okay? सो so, पहले क्या चाहिए हमें एक डेटा चाहिए और वी आर गोइंग टू क्रिएट टू डिफरेंट टेबल्स इन द डेटाबेस क्यों बिकॉज वी नीड टू टेबल्स टू रिलेट इच अदर हमें रिलेट करने के बाद ही पता चलेगा कि वो टेबल्स में अनमेच डेटा है या नहीं है ओके सो चलो सेशन के अंदर वी हैव टू क्रिएट अ ब्लैंक डेटाबेस एंड क्रिएट टू टेबल्स लेट स्टार्ट यूजिंग एक्सेस नाउ राइट हम लोगों तो ये दो जे है वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड फॉर अवर प्रीवियस क्वेरी सेशन याद है ना आपको सो वॉट वी आर गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू क्रिएट एन अदर टेबल नाउ ओके ये जो डेटाबेस हम लोगों ने क्रिएट किया था वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दिस फॉर आर प्रीवियस क्वेरी याद है ना आपको यही जो रोल नंबर क्रिएट किए थे रोल नंबर तो प्राइमरी ही था और स्टूडेंट नेम और एज क्रिएट किए थे यस सो टुडे व्हाट वी आर डू वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर टेबल व्हिच इज गोइंग टू हैव वन सिमिलर फील्ड ऑफ दिस ये टेबल में जो फील्ड है उसका एक सिमिलर फील्ड हम लोग क्या करने वाले हैं दूसरा टेबल में यूज करने वाले हैं ओके okay? उसके बाद क्या करने वाले हैं दोनों टेबल्स को रिलेट करने वाले हैं सो लेट्स क्रिएट अनादर टेबल सो क्रिएट में जाके टेबल डिजाइन में दूसरा टेबल क्रिएट करने वाले हैं। okay? ये टेबल में एक फील्ड कॉमन होना चाहिए कौन सा फील्ड रख सकते हैं एज तो वहीं पे ही दोनों डुप्लीकेट्स बन गया है स्टूडेंट नेम भी डुप्लीकेट्स हैं सो so, कौन सा यूज कर सकते हैं रोल नंबर ओके ये तो आप याद रखो कि रोल नंबर जो फील्ड आप दोनों टेबल्स में लिंक करने वाले हैं या रिलेट करने वाले हैं हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों का नाम एक साथ होना चाहिए ओके okay? और दोनों का डेटा टाइप एक साथ होना चाहिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब आप रिलेट कर रहे हो टेबल्स को और राइट सो ये डेटा टाइप क्या था रोल नंबर का नंबर ओके सो रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट ओके okay? दूसरा क्या यूज कर सकते हैं वहां पे तो नेम और एज है सो यू कैन यूज क्लास क्लास क्या हो सकता है नंबर हो सकता है ओके ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट है ये ओके okay? और उसके बाद लिख सकते हैं लैंग्वेज ओके सो ये शॉर्ट टेक्स्ट होगा इंग्लिश लिखेंगे तो ई एन जी लिखेंगे नहीं तो

So, अभी ST2 में डेटा करना लिखना पड़ेगा सो आई एम यू नो राइट वन जीरो वन और उसके बाद क्लास क्या लिखेंगे सिक्स स्टैंडर्ड उसके बाद लैंग्वेज लिखेंगे इंग्लिश ओके वन जीरो टू क्लास सेवन लिखेंगे और लिखेंगे तमिल uh, और उसके बाद लिखेंगे वन जीरो सिक्स रो सिक्स नहीं है वन जीरो फाइव उसके बाद लिखेंगे क्लास सिक्स ओके ये लिखेंगे हिंदी और राइट right? हम लोगों ने ये तीनों टेबल्स क्रिएट कर चुके हैं ये दोनों टेबल्स क्रिएट कर चुके हैं सो वॉट आर वी गोइंग टू डू नाउ वी आर गोइंग टू रिलेट दीज टेबल्स वॉट आर वी गोइंग टू डू नाउ रिलेट दी टेबल्स रिलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे डेटाबेस टूल्स पे जाना पड़ेगा सो गो टू डेटाबेस टूल्स दिख रहा है ना रिलेशनशिप्स ये रिलेशनशिप्स जो है वट डज इट डू डिफाइन हाउ द डेटा इन टेबल इज रिलेटेड सच एज आईडी फील्ड और नेम फील्ड इन डिफरेंट टेबल्स दैट शुड बी मैच अभी इसके लिए हमें दो रूल्स हैं पहला रूल है जो फील्ड को हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो फील्ड दोनों टेबल में कॉमन होना चाहिए कॉमन का मतलब एग्जैक्टली exactly सेम होना चाहिए उसका रेकॉर्ड्स के सब कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है मगर फील्ड नेम है ना रोल नंबर जो फील्ड हम क्रिएट किए हैं दोनों का एक ही होना चाहिए देखो यहाँ पे डिफरेंस है एस में तो रोल नंबर में स्पेस है एस में तो नहीं है सो so, आपको ये एडिट करना पड़ेगा ओके सो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए दोनों फील्ड जो आप मैच कर रहे हो और उसका डेटा टाइप भी बहुत ही एग्जैक्ट मैच होना चाहिए समझ में आया आपको सो ओनली देन यू कैन क्रिएट अ रिलेशनशिप और इसमें दूसरा कंडीशन है कि एक टेबल में ओके okay, आपको ये याद होना चाहिए कि एटलीस्ट एक टेबल में वो जो कॉमन फील्ड है दैट शुड बी अ प्राइमरी की ओके सो दैट शुड बी अ प्राइमरी की सो अभी ये दोनों टेबल में प्राइमरी की है सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मगर जो फील्ड आप कॉमनली सिलेक्ट करते हो इट शुड बी अ प्राइमरी की इन एटलीस्ट वन टेबल समझ में आया सो so, मैं अभी रिलेशनशिप्स क्लिक करने वाली हूँ रिलेशनशिप क्लिक करने से बात क्या होगा मुझे तो ये दोनों टेबल्स एड करना है सो so, मैं क्या कर रही हूँ एस को एड कर रही हूं ओके okay? और अभी एस को एड कर रही हूं ओके okay? दोनों टेबल्स हैं हमारे पास यस सो टू टेबल्स आर हियर एंड आई एम गोइंग टू क्लोज दिस दोनों टेबल्स एड किए चुके हैं सो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टेबल्स ये तो दोनों डिफरेंट टेबल एंटिटीज हैं एंटिटीज का मतलब है टू डिफरेंट थिंग्स ओके अभी इसको कैसे रिलेट करेंगे वी आर गोइंग टू क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप इट हियर ओके सो अभी क्लिक एंड ड्रैग जब करते हैं ये जो बॉक्स आता है एडिट रिलेशनशिप्स ओके यहां पे आपको पूछेगा कौन सा टेबल आप रिलेट करते हो क्योंकि हम लोग ने st और st2 यहाँ पे ऐड किया है सो ऑटोमेटिकली इट हैज टेकन इट्स टेबल्स ये जो हम लोग पहले ही ऐड कर चुके हैं ये ऑलरेडी इट हैज अज्यूमड अब इसमें से फील्ड जो है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो ओके okay? जो फील्ड्स आपको रिलेट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो सो रोल नंबर रोल नंबर को रिलेट कर रहे हैं इसमें तो दो कंडीशंस हैं वी शुड हैव द डेटा टाइप सेम नेम सेम एंड आल्सो वन ऑफ देम विल बी अ प्राइमरी की ये तो परफेक्टली है ओके सो अभी मैं क्या करने वाली हूं क्रिएट देने वाली हूं देखा दीस टू आर रिलेटेड यूजिंग अ बार हियर वो वो है रिलेशनशिप का बार वन टू वन इसका मतलब है दिस रोल नंबर इज रिलेटेड टू दिस रोल नंबर ऑफ द टेबल समझ में आया आपको सो दिस रिलेशनशिप हैज बीन क्रिएटेड ओके So, अभी व्हाट आर वी गोइंग टू डू क्वेरीज क्रिएट करने वाले हैं कैसे क्रिएट करेंगे क्वेरीज को क्रिएट टैब में जाने के बाद क्वेरी विजार्ड को क्लिक करना है उसके बाद आज क्या कौन सी विजार्ड देखने वाले हैं फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड सो उसको क्लिक कर दीजिए उसके बाद क्या करना है ओके okay, क्लिक करो सो so, अभी हमारे पास दो टेबल्स हैं एक है द क्वेरी यू क्रिएट

अभी कौन सा टेबल का रिजल्ट निकलेगा एस टी वन का टेबल निकलेगा क्योंकि जो अनमैच है इसमें वो दिखाई देगा जब हम एस टी टू को क्रिएट करेंगे वो भी देखेंगे हम विल सी बोथ ऑप्शंस। एस टी वन भी देखेंगे एस टी टू भी देखेंगे सो so, पहले मुझे क्या चाहिए एस टी वन का जो अनमैच डेटा है वो मुझे देखना है सो so, मैं यहां पर एस टी वन सिलेक्ट करके नेक्स्ट क्लिक करूंगी ओके okay? रिलेटेड रिकॉर्ड यही है ना सिर्फ दो टेबल है हमारे पास हम लोगों तो एस टी वन तो डिस्प्ले करना है हमें और किससे रिलेट करने के बाद एस टी टू को रिलेट करने के बाद सो नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट ओके सो अभी देखो वॉट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन बोथ टेबल्स कौन सा इंफॉर्मेशन है रोल नंबर है स्टूडेंट नेम है क्लास है एज है ओके okay? सो so अभी मैचिंग फील्स जो है वो है रोल नंबर ओके सिलेक्ट द मैचिंग फील्ड इन ईच टेबल एंड देन क्लिक ऑन दिस बटन सो ये दोनों है और मैं ये क्लिक करने वाली हूँ सो मैचिंग फील्ड तो रोल नंबर ही है और कुछ नहीं सो so, करने वाली हूँ वॉट फील्ड डू यू वॉन्ट टू सी इन द क्वेरी रिजल्ट यहां पे क्यों सिर्फ रोल नंबर स्टूडेंट नेम और एज आ रहा है बिकॉज वी सिलेक्टेड एस टी वन का टेबल वी सिलेक्टेड एस टी वन टेबल सो एस टी वन में तो सिर्फ रोल नंबर नेम और एज है सो आई वॉन्ट ऑल द थ्री टू बी डिस्प्लेड और नेक्स्ट क्लिक करने वाली हूं सो विदाउट मैचिंग तो ये नाम बन गया है सो so फिनिश करने के बाद सो डिटेल्स आर नॉट मैचिंग देखते हैं क्या क्रॉस चेक करते हैं यस एस सी टू में 102, 101 और 105 है वन टू और फाइव है सो थ्री फोर सिक्स बाकी है देखते हैं हां यहां पे तो थ्री फोर सिक्स दिया है यस और राइट अभी तो देखते हैं उल्टा का एस टी टू पहले देखते हैं और एस टी वन देखते हैं सो क्वेरी विजार्ड में जाएंगे फाइंड अनमेड क्वेरी क्लिक करेंगे और ओके okay क्लिक करने वाले हैं और इसमें से टेबल टू को क्लिक करने वाले हैं और नेक्स्ट क्लिक करने वाले हैं यहां पे तो हमें पता है टेबल वन ऑलरेडी सिलेक्टेड और उसके बाद ये जो रोल नंबर है वो भी सिलेक्टेड है अभी कौन सा चाहिए आपको रोल नंबर क्लास और लैंग्वेज चाहिए तीनों सो so, तीनों ले लिए हैं और नेक्स्ट क्लिक करने वाले हैं अभी फिनिश कुछ नहीं आ रहा है क्यों बिकॉज ऑल द डेटा हियर इन एस टी टू हैज मैच इन एस टी वन अभी समझ में आया क्यों वो क्वेश्चन वो फर्स्ट क्वेरी पूछ रहा है यस द फर्स्ट विंडो ऑफ द विजार्ड आस्क यू विच टेबल डू यू वॉन्ट टू डिस्प्ले एस टी टू में तो अनमैच डेटा ही नहीं है सभी डेटा को एक मैच है एस टी वन में मगर सिर्फ एस टी वन में वी डोंट हैव मैचेस इन टू सो डेटा डिस्प्ले समझ में आया एस टी विदउट मैचिंग एस टी टू एंड एस टी टू विदउट मैचिंग एस टी समझ में आया अभी तो वो विंडो का क्या रीजन था यस सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ क्वेरी विजार्ट विथ अ फाइंड अनमच्ड क्वेरी ऑप्शन समझ में आया स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई दिस एट होम ओके यूजरेंट डेटा बेस एंड ट्राई दिस सो दैट यू कैन फाइंड द डिफरेंसेस अभी एक साथ डेटा एंटर करके देखो एक टेबल में दूसरा टेबल में ट्राई एंटरिंग डिफरेंट डिटेल्स जिसमें मैचेस होगा और दूसरा टेबल में मैचेस नहीं होगा वो भी आप एंटर कर सकते हो सोचो कि एस टू में यू कैन एंटर मोर डेटा विच विल नेवर मैच विद एस टी वन तब क्या होगा आपका जो एस टी टू विदउट मैचिंग एस टी वन है उसमें भी आपको डिटेल्स आएगा ओके okay? समझ में आया सो दट वॉट वी हैव सीन टूडे प्लीज प्रैक्टिस दिस एट होम वील मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन बाय बाय